हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल। गाइस, जो परसों कॉर्बेट के अंदर हुआ है मरचुला में, गाइस वो कोई एक्सेप्टेबल घटना तो नहीं है। लेकिन जिन मेरे दोस्तों को इस घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या हुआ है और टाइगर के साथ क्या व्यवहार हुआ है या फिर क्या हुआ है, मैं ये पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं। तो जैसा कि गाइस वीडियो में आपने देखा कि मरचुला के अंदर एक टाइग्रेस जो है वो घुस गई थी और वो काफी इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी, कभी यहाँ कभी वहां, काफी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। और मतलब आप देख पाएंगे कि या फिर अगर ऐसा भी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई बहुत ही ज्यादा डेंजरस ही टाइग्रेस है, बट हाँ वो एक टाइगर था तो टाइगर तो डेंजरस होता ही है। अब वो क्योंकि शहरी इलाके में घुस गया था और लोग शोर मचा रहे थे, लोग अपने घरों में अंदर बंद हो गए थे, दुकानें बंद कर दी गई थी, पूरा मार्केट बंद हो चुका था, सड़कें खाली थी, तो एक अफरा तफरी का माहौल था मरचुला के अंदर। और जब विभाग की वहां पे गाड़ी पहुंचती है तब तक सारी चीजें जो है इस तरीके से सेटल हो गई थी और लोग जो थे अपने घरों की छतों पे पहुंच चुके थे और वो सब ये सारा नजारा देख रहे थे। अब विभाग की गाड़ी पहुंचने के बाद कुछ माहौल कुछ इस कदर बना कि विभाग ने पता नहीं आनन फानन में क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया और उठा के इस टाइगरस को मार दिया। गाइस, केड्यूल वन में आता है टाइगर, हमारा जानवर नेशनल एनिमल है, आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ अगर ये सलूक होता है तो बाकी जानवरों को तो मैं क्या ही कहूँ। अब आप मुझे बताइए कहाँ गए सारे नेशनल जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल राइट्स वाले हैं, कहाँ हैं वो सारे आज के डेट में? कोई भी इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा है। और टाइगर को तो NTCA मारने की अथॉरिटी देती है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डिपार्टमेंट ने कैसे ये डिसीजन ले लिया और क्यों मार दिया? क्या इस टाइगर ने किसी इंसान के ऊपर अटैक कर दिया था? वहां पे कोई प्रूफ है, कोई जस्टिफिकेशन है? किसी के पास कुछ नहीं है और उठा के सरेआम इस बीच बाजार इस टाइगरस को गोली मार दी गई। नॉर्मल केस में क्या होता है गाइस, NTCA जो है अप्रूवल देती है किसी भी टाइगर को मारने का। इस केस में NTCA के अप्रूवल का वेट भी नहीं किया गया, किसी चीज का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सारी चीजें आनंद फानंद में शायद एक पब्लिक के जोश में आके, जो वहां पे लोग थे डिपार्टमेंट के, वो लोग पता नहीं क्या रहे, कैसा रहा, क्या डिसीजन हुआ, क्या नहीं हुआ, भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा डिसीजन ले लिया गया। और अगर कोई मेरे से ये कहता है कि ये फॉरेस्ट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, जितने भी IFS ऑफिसर हैं वहां पे और जितने भी फॉरेस्ट के रेंजर हैं, सब लोग हैं, इन लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेके ये किया गया, तो आई एम सॉरी, इन सबके डिसीजन गलत है। फिर आप जानवर को पकड़ने के लिए बैठे हैं वहां पे, आपने इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया है, ऐसे चलते फिरते हुए जानवरों को मारने के लिए नहीं बैठे? क्या आपको भी कोई तमगे चाहिए थे, जैसे वो हैदराबाद में हमारे एक हंटर हैं, जैसे उनके पास कई सारे तमगे, आपको भी वैसे कोई तमगे चाहिए थे क्या, जो ये आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, यहाँ पे बीच बाजार ले लिया, बिल्कुल पब्लिक के सामने खुलेआम, किस बात की आप, ये क्या मैसेज पास करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड को? ये क्या 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 मैसेज दिया हमने पूरे वर्ल्ड को कि हमारे देश में टाइगर है, शहर में घुसेगा तो हम मार देंगे, वो भी ऐसे टाइगर को जिसके बारे में हमारे को कुछ नहीं पता कि वो मैनेटर है नहीं है, क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था, कुछ नहीं पता, जस्ट जी हमें खतरा है। ऐसे तो यार मेरे को समझ में नहीं आता, ये जो कोसी बैराज के आसपास का जो एरिया है और जो आपका मरचुला से और गर्जिया के बीच में जो एरिया है, इन एरिया में घरों के पास में टाइगर ऐसे ही कितने घूमते रहते हैं यार, तो वहां के भी तो लोगों के ऊपर खतरा रहता है, तब क्यों नहीं मार देते टाइगर को देखते ही गोली, तब तो नहीं मारी जाती, इस केस में पता नहीं क्यों मार दी गई। सो बड़ा ही एक अजीब केस हुआ है गाइस, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बयां करूं। मेरा यह मानना है अगर इस तरीके के केसेस होते हैं तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट के पास एक क्विक रिएक्शन टीम होनी चाहिए जिसके पास सारी फैसिलिटीज और सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि यह क्विक रिएक्शन टीम ने ही किया है, तो इस टीम के पास क्या ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स नहीं थे? इंस्टेड ऑफ ये गोली मार रहे हैं उसको, क्या ये ट्रैंक्विलाइजर डार्ट उसको मार के बेहोश नहीं कर सकते थे? और मान लीजिए किसी वजह से इनको डर भी था कि वो कुछ हो जाएगा, तो भाई आप कोशिश तो करते, उसमें अगर उसकी जान चली जाती तो एक अलग चीज सामने आती कि डिपार्टमेंट ने कोशिश करी। लेकिन आप बीच बाजार एकदम आनंद फानंद में आते हैं और आप आते हैं और बिल्कुल बिल्कुल एक जिसको कहते हैं गुंडों की तरह आपने आया और वहां पे डॉन की तरह आके आपने उस बेजुबान टाइगर को और जानवर को गोली मार दी। माफ कीजिएगा आज गुस्से में हूं, लेकिन ये चीज कतई दिल में बर्दाश्त नहीं हो रही है। किस तरीके से देखा जाएगा इस चीज को? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पूरा बिजनेस, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर की जितने भी फैसिलिटीज हैं सब टाइगर सेंट्रिक है,
दुनिया टाइगर को देखने आती है वहां पे, और ये हमारे बचे हुए टाइगर्स को ये सरेआम ऐसे मारेंगे? क्या उसकी गलती क्या थी किसी वजह से? क्योंकि अब ये चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, अब आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी, इस चीज के, इस इंसिडेंट के होने के बाद आनन फानन में आज सवेरे प्रेस में भी रिलीज किया गया है इसका पूरा इंसिडेंट का ब्यौरा, या फिर पूरी प्रेस रिलीज जारी करी गई है इसके लिए, जिसके अंदर लिखा गया है, आप देख सकते हैं, मैं ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसमें लिखा गया है कि श्री मोहन भट्ट जो कि हैं, मोहन चंद्र भट्ट, इनने क्या कहते हैं 312 बोर राइफल से कोशिश करी, हवाई फायर किए कुछ, और 9 राउंड फायर किए, और क्या कहते हैं टाइगर को भगाने की कोशिश करी, वो भाग नहीं रहा था, वो वहीं पे घरों में घुसने की कोशिश कर रहा था, एक्स है वाई है। उसके बाद इनके डिपार्टमेंट ने ही, जो दूसरे दरोगा हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, बट दूसरे दरोगा, उनने जमीन में फायर किया। आप इस वीडियो को देख के मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये फायर जमीन में करा गया था? जमीन में करा गया होता तो इसके छर्रे जमीन में लगते, तो जमीन में धुआं उठता, छर्रों की वहां से, मतलब एक तरीके का एक धूल का गुबार कुछ तो उठता, कोई कुछ नहीं है, बंदूक से फायर निकली है, वहां पे हल्का सा क्या कहते हैं एम्यूनिशन के अंदर जो भी गन पाउडर होता है उसका धुआं है, और यहां सीधे टाइग्रेस को लगी, आप देख सकते हैं, सीधे उठा के टाइग्रेस को उठा के गोली मार दी। और प्रेस रिलीज के अंदर ये लिखा जा रहा है कि जमीन पे फायर करिए तो डिफ्लेक्ट होकर जो है छर्रे उसको लग गए, उसकी दाहिनी जांघ पे लग गए और वो मर गई। इस तरीके का अगर व्यवहार हमारे नेशनल एनिमल के साथ होगा तो गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी, बट हम अपने इस नेशनल एनिमल को ज्यादा दिनों तक बचा नहीं पाएंगे। मानता हूं कॉर्बेट के अंदर अभी काफी सारे केस हुए हैं, आम दिनों में, अभी बीते दिनों में कुछ केस हुए हैं, आप सबने देखा, मैंने अपने चैनल पर बहुत डिटेल में कवर किया है। मरचूला में भी अभी 4 दिन पहले केस हुआ है, थोड़े दिन पहले ही जो लेडी का केस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इस तरीके के अगर केसेस आ रहे हैं तो आप बीच बाजार में चलते हुए पब्लिक ऊपर वहां से छतों पर से खड़े होकर चिल्ला रही है मारो मारो मारो। अरे क्यों मारो भाई, क्यों मारो? वो मरचूला का जो एरिया है और जो सारा तुम्हारा कॉर्बेट का रामनगर का एरिया है, अरे ये पूरा टूरिज्म सेंट्रिक एरिया है, टाइगर ने तुम्हें बिजनेस दिया है इनडायरेक्टली, खत्म करके दिखा दो वहां से सारे टाइगर निकाल के दिखा दो, और एक बंदा भी अगर तुम्हारे कॉर्बेट में घूमने के लिए आ जाए तो तुम लोगों का ही बिजनेस खत्म होगा, तुम छतों पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो कि मारो मारो। अरे क्यों मारो भाई, किस वजह से मारोगे आप? यही यही चीजें जो है दोस्तों परेशान करती हैं। और कल मैं फील्ड पे भी जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दी आपसे फील्ड पे मिलूंगा और बात करेंगे, देखते हैं वहां पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। लेकिन गाइज बहुत गलत हुआ है, आपके क्या विचार हैं, आपके क्या कमेंट हैं, जरूर मेरे को इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, हम जरूर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और तब तक के लिए गाइज, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। गाइज जय हिंद।